नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एक फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आप एक बुक कैसे पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई बुक पढ़नी है या फिर आप उस बुक को एक वीक के अंदर या फिर 2 वीक्स के अंदर एक पूरी की पूरी बुक को कैसे कम्प्लीट कर सकते हो, तो आज मैं कुछ ऐसी टिप्स या फिर मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जिनकी हेल्प से अगर आप कोई बुक पढ़ना शुरू कर रहे हो या फिर पढ़ना चाहते हो तो आप उसे कैसे कम्प्लीट कर सकते हो और उसे डेली बेसिस पर कैसे कम्प्लीट कर सकते हो या फिर उसे पढ़ सकते हो। जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और एंड तक देखना, उसके बाद अगर डिसलाइक करने का मन करे तो डिसलाइक कर देना। तो सबसे पहले जान लेते हैं यार बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। तो बुक्स पढ़ने का सबसे बहुत सारे यार बेनिफिट्स है, अब उनकी क्या गिनती कर रही हूँ। जैसे कि आप सब जानते हो, जितने भी सक्सेसफुल पीपल्स है वो बुक्स रीड करते हैं, जैसे कि बिल गेट्स हो गया, स्टीव जॉब्स हो गया, मार्क जुकरबर्ग हो गए, बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल्स बुक्स रीड करते हैं। लीडर्स आर रीडर्स, ऐसा एक क्वोट भी है। तो बुक पढ़ने से आपको दूसरों की गलतियों के बारे में पता चलता है। अगर आप नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ते हो या फिर आपके स्टोरीज पढ़ते हो या फिर साइकोलॉजी या फिर हेल्थ से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हो या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी है आपको या फिर आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है, तो बुक्स से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो इसी से याद आया कि भाई मैंने 4 बुक्स बिल्कुल फ्री आपको दी है ई बुक वर्जन में, तो उसका लिंक इधर कहीं और होगा, वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें आपको पेड बुक्स है वो सारी मैंने बिल्कुल फ्री में दी है आपको। तो ये तो हो गई यार कुछ बेनिफिट्स जो हमें बुक पढ़ने से मिलते हैं। तो अगर आपने कोई बुक परचेस की है या फिर आप रीडिंग शुरू करना चाहते हो या फिर आपको बुक कोई पढ़ना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने एक बुक परचेस की है हिंदी वर्जन में, तो अगर आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो यार ये टिप्स ज़रूर ध्यान में रखना। अगर ये ध्यान में नहीं रखोगे मैं जो आपको आगे बताने वाला हूँ, तो फिर आप बुक पढ़ना छोड़ दोगे या फिर आपको बोरिंग लगेगा बुक पढ़ना। तो इन 3 बातों का ज़रूर ध्यान रखना। तो सबसे पहले जान लेते हैं भाई, बहुत सारे लोग बुक परचेस तो कर लेते हैं पर उसे पढ़ते नहीं हैं, या फिर बुक्स कोई मोटिवेशन वीडियोस देख लिया या फिर कोई भी ऐसी कहीं भी सुन लिया कि भाई बुक पढ़ने से आपको आपकी नॉलेज गेन होती है या फिर आपको सक्सेसफुल पीपल्स जो है वो बुक्स पढ़ते हैं, वैसे आपने बुक परचेस कर ली या फिर कोई ई बुक परचेस कर ली या फिर फ़ोन में रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हो, फिर आप 1-2 दिन रेगुलर बेसिक्स पर पढ़ते हो, फिर आपको लगता है आप उसे छोड़ देते हो या फिर आप भूल जाते हो कि आप यार मुझे बुक्स पढ़नी थी। तो यार ऐसे सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कुछ 3 टिप्स दिए। तो उन टिप्स को अगर फॉलो करोगे तो आप अच्छे से 1 या 2 वीक में एक बुक ख़त्म आराम से कर लोगे। तो चलिए उन टिप्स के बारे में जानते हैं। तो यार सबसे पहले हमारी जो टिप है वो है कि आपको डेली बेसिक्स पर पढ़ना है तो बुक रीडिंग करना है तो आपको सबसे पहले टाइम सेट कर लेना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर लीजिए। जैसा कि अगर आप सुबह में बुक पढ़ना चाहते हो या फिर दोपहर में कोई टाइम सेट कर लीजिए जिस टाइम पर आप बुक रीडिंग कर सकते हो, जिस टाइम पर आप फ्री हो पूरे दिन में। फिलहाल लॉकडाउन की वजह से सभी लोग फ्री है तो आप कोई टाइम सेट कर लो और कोई जगह सेट कर लो। अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर आपको एक टाइम सेट कर लेना है। जैसे कि आप, मैं शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा बुक पढ़ता हूँ, तो आपको इस तरह से टाइम सेट कर लेना है कि मैं इस टाइम पर बुक पढ़ूंगा और उसे डेली बेसिक्स पर फॉलो करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि एक हैबिट बन जाएगी अगर आप डेली बेसिक्स पर करोगे। तो जैसे कि हम ट्यूशन्स जाते हैं तो हमारे ट्यूशन पर एक टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम पर हमें ट्यूशन पहुंच जाना है या फिर क्लासेस पहुंच जाना है या फिर स्कूल पहुंच जाना है। तो आप एक टाइम सेट करो जिस टाइम पर आप बिल्कुल फ्री हो, आपके पास कोई काम ना हो, वैसा एक टाइम स्पेसिफिक टाइम आपको सेट कर देना है और उसी टाइम पर आपको रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। तो यही एक बेनिफिट है कि आप डेली बेसिक्स पर रीडिंग की हैबिट बना लोगे तो आपको रीडिंग करना भी अच्छा लगेगा और आप बुक्स को कंप्लीट भी कर सकोगे और उससे आपको बहुत सारा ज्ञान दिमाग में आ जाएगा। बिजनेस या फिर मैं स्टोरी बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ज्ञान छाड़ने वाली यानी कि ज्ञानी बुक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सर यही थी यार हमारी फर्स्ट टिप जो आपको दिमाग में बिठा लेने की, आपको एक स्पेसिफिक टाइम पर बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर देना, भले ही क्यों ना आप एक पेज भी पढ़ो पर आपको डेली बेसिस पर अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको भी लगेगा हाँ भाई मुझे थोड़े और ज़्यादा पेज पढ़ने चाहिए। और एक बार अगर आपने 1-2 पेज पढ़ लिए बुक के, जो कोई अच्छी बुक हो, तो आपको भी अंदर से इंटरेस्ट आएगा कि हाँ भाई मुझे आगे का पेज पढ़ना चाहिए। तो हमारी यार दूसरी जो टिप है वो है कि बुक्स को छोटे छोटे
भाग में या फिर पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ज़्यादातर लोग बुक रीडिंग करना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि बुक बहुत बड़ी होती है, जैसे कि ये बुक है। नॉन फिक्शन बुक्स होती है वो आई थिंक उसके 200 से ज़्यादा पेजेस होती है और कुछ 400 पेजेस की भी होती है। तो अगर हम बुक को देखें तो इतनी लंबी चौड़ी बुक देखकर आपको लगता है कि कब मैं ये ख़त्म कर पाऊँगा, तो इसी प्रॉब्लम की वजह से कई लोग बुक पढ़ना छोड़ देते हैं। पर इस टिप में मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आप बुक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। और अगर बात करें कि 200 पेज पढ़ने में आपको सिर्फ 5 आवर्स का टाइम लगेगा, तो उसे डिवाइड करेंगे तो 45 मिनट पर चैप्टर आपको लगेगा एक चैप्टर पढ़ने के लिए। तो अगर आप बुक्स को पूरा नहीं पढ़ना है पर आपको ऐसा सेट करना है कि एक दिन में एक चैप्टर तो आप ज़रूर ख़त्म करोगे, जैसा कि मैंने कहा कि मैं शाम को 7 बजे बुक रीडिंग करने बैठता हूँ तो 7 से 8 PM तक मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ। और अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते तो आप उसके सब कंटेंट कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि नॉन फिक्शन बुक्स में बहुत सारी जो टेक्निक्स या फिर कुछ भी जो बताए होते हैं उसके अंदर चैप्टर्स के अंदर भी कुछ इस तरह के आप देख सकते हो, ऐसे स्मॉल होते हैं, तो आप ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हो। आपको डिसाइड कर देना है कि हाँ भाई मैं इतना टॉपिक कवर कर लूँगा आज के दिन। तो यही है हमारी सेकंड टिप कि आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपको बुक्स को पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि भाई मैं पूरी बुक कब पढ़ पाऊँगा, तो आपको सिर्फ छोटे एक दिन में छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने, या फिर आपको रीडिंग पसंद है तो आप पूरा एक चैप्टर भी ख़त्म कर सकते हो एक दिन में। तो यही थी हमारी सेकंड टिप जिसमें आपको छोटे छोटे पार्ट्स में बुक को डिवाइड करना है और बुक को पढ़ना है, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई इतनी लंबी बुक में कब ख़त्म कर पाऊँगा। तो आप इस टिप का टेक्निक का हेल्प ले सकते हैं। तो अब चलिए जानते हैं हमारी थर्ड टिप जो कि एक रिवॉर्ड है, यानी कि आपको एक रिवॉर्ड सेट करना है या फिर आपको कुछ ऐसा रिवॉर्ड खुद को रिवॉर्ड देना है। जैसा कि अगर आपने आज 1 घंटे पढ़ लिया तो उसके बाद आप कोई नेटफ्लिक्स का कोई शो देख सकते हो या फिर कोई मूवी देख सकते हो। आपको खुद को एक रिवॉर्ड देना है जिससे आपको लगेगा हाँ भाई मैं एक पेज पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये रिवॉर्ड मिल रहा है, तो मैं क्यों ना 2nd पेज पढ़ूँ। तो आप ऐसे रिवॉर्ड वाला जो सिस्टम रखोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेज पढ़ पाओगे और आपका इंटरेस्ट भी रहेगा बुक रीडिंग में। तो यही थी यार कुछ टिप्स, ये लास्ट वाली टिप आप ज़रूर यूज़ करें कि अगर आप कोई अच्छा काम या फिर आपको जो मन पसंदीदा काम है वो करना चाहते हो तो उससे पहले ये बुक पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप बुक कंप्लीट करोगे या फिर कोई एक चैप्टर या फिर जितने आपने पेजेस डिसाइड किए उतने पेज पढ़ने के बाद ही अपना फेवरेट काम करोगे। अगर आप ऐसा थॉट अपने दिमाग में रखोगे तो इससे आपकी बुक पढ़ना भी स्टार्ट हो जाएगा और आपके दिमाग में कुछ ज्ञान भी आएगा और आपकी हैबिट भी बन जाएगी बुक पढ़ने में। तो यार यही थी कुछ 3 सिंपल टिप्स जो आप बुक पढ़ने में लगा सकते हो या फिर बुक पढ़ना अगर स्टार्ट कर रहे हो तो ये टिप्स आपके बहुत काम आएगी। तो आई होप यार वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और छोटा सा कमेंट जरूर लीव कर देना। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने 4 पेड बुक्स बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड किए, तो वो जल्दी से आई बॉक्स बटन पे आ रहा होगा, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हो। वो वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि बुक पढ़ने से आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। और एक क्वोट तो आपको याद ही है कि लीडर्स आर रीडर्स। तब तक के लिए गुड बाय।